हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज भी हमने घर पे जो हमारे पास पड़ी रहती है उस चीज़ों का जुगाड़ करके कुछ चीज़ बनाई है। तो आज पहले मैंने ली है इस तरह की शॉपिंग बैग, जो हमें कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे तो हमें ऐसी मिल जाती है। तो हमें पहले इसी ली है और इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें उसके ऊपर जो हमारे पास पुरानी साड़ी की लेस रहती है उसे मैंने यूज़ किया है। तो इसके ऊपर हमें इस तरह से साड़ी की लेस को अटैच करते जाना है वन बाय वन। ये देखिए, इस तरह से हमें इसके ऊपर सेट कर लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से स्टिच कर दे जाना है। पूरे पार्ट में हमें इसी तरह स्टिच करना है। अगर आपके पास ये शॉपिंग बैग अगर नहीं है, प्लास्टिक की है, तो आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी, कोई भी वेस्ट कपड़ा, पुराना अपने सूट का भी हो, उसे ले सकते हैं। तो हमें इसी तरह हमें लेस को वन बाय वन अटैच करते जाना है। तो हमारे पूरे में इस तरह से लेट अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, तो ऊपर की साइड से हमें, ये देखिए हमने मेजरमेंट पहले नहीं बताया था, तो उसका मेजरमेंट है 7x15 इंच। और हमें अब ऊपर की साइड से 1.5 इंच का मेजरमेंट लेना है और उस वहां पे मार्क कर लेना है पूरे में। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें वहां से कट लगा लेना है। और कट लगाने के बाद हमें वहाँ पे एक जिप को अटैच कर लेना है और उसे अटैच करने के बाद वहाँ पे प्लस स्टिच कर लेने हैं। और जो सेकंड पार्ट था हमारा, उसे भी इसी तरह अटैच कर लेना है। इसी तरह हमें सामने की साइड भी अटैच कर लेना है। और हमने एक और दो लेस के दो टुकड़े लिए हैं और उसका मेजरमेंट है 13 इंच। उसी दोनों पार्ट को हमें इस तरह से अटैच करना है, सेंटर में मार्क करना है। फिर मार्किंग जो किया है वहाँ से हमें इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और दोनों साइड से, और जो दोनों साइड से हमने मार्क किया वहाँ पे हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड हम इस तरह अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद हमें जो जिप अटैच की है उसी के साथ हमें रनर को भी अटैच कर लेना है दोनों साइड। अब हमारे दोनों साइड रनर अटैच हो चुके हैं। तो मैंने एक और शॉपिंग बैग के दो पार्ट लिए हैं और उसे इस तरह से उसके साथ अटैच कर लेना है। हमें दोनों साइड जो हमने जिप अटैच की वहाँ पे हमें इसी तरह हमें इसे अटैच कर लेना है। तो हमारे दोनों साइड, एक साइड अटैच हो चुका है और दूसरी साइड भी हमें अटैच कर लेना है, लेकिन इसका मेजरमेंट है 6x7 इंच। हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया है, 7 इंच से 1.5 लिया है, क्योंकि हमें अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एक्स्ट्रा हो उसे हम कट कर सके। तो हमें इसी तरह हमने लिया है और उसे भी सेकंड पार्ट को भी इसी तरह अटैच कर लेना है। अब हमारे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड भी हमें जिप लेनी है और उसे इस तरह से अटैच कर लेना है और प्रेस स्टिच कर लेना है। अब हमें अटैच करने के बाद वहाँ पे रनर को भी अटैच कर लेना है। अब जो हमने पार्ट रेडी किया है बैग का, उसे उल्टा कर लेना है और नीचे की साइड हमें इस तरह से 2 फिंगर जितना मेजरमेंट लेना है और मार्क कर लेना है। ऊपर नीचे दोनों साइड हमें 2 फिंगर जितना मार्किंग कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, तो जो मार्क किया है उसे इस तरह से दोनों साइड से पकड़ के फिर दोनों साइड स्टिच कर लेना है। तो हमारा दोनों साइड स्टिच हो चुका है। तो अब हमें बैग को सीधा कर लेना है। हमारे पूरा एकदम वेस्ट कपड़ा था जो, उसी में से हमने इसे रेडी किया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको हमारे वीडियो चैनल पे ऐसे नए नए आइडिया बहुत ही सारे मिलते रहेंगे जो आपके बजट में भी आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा पर्स हमारा बनके रेडी हो चुका है, वो भी 3 पॉकेट वाला ये बैग पर्स है हमारा। आप इसे पाउच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पर्स की तरह भी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।